वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुड मॉर्निंग सर। इंस्पेक्टर पीटर ने अब तक कुछ बताया नहीं सर। देखो इंस्पेक्टर, पीटर का बयान हमारे लिए बहुत जरूरी है। पीटर की गवाही ही राजा और विक्रम को कानून की गिरफ्त में ला सकती है और इस शहर को विक्रम की दहशत से छुटकारा मिल सकता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा सर कि पीटर किस मिट्टी का बना हुआ है। इतने सालों की नौकरी में पहली बार ऐसे मुजरिम से पाला पड़ा है कि इतना टॉर्चर होने के बावजूद भी एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं। कहाँ है वो पीटर? तुम समझते क्यों नहीं, जिस आदमी के लिए तुमने इतने अपराध किए उसके लिए तुम्हारे गले में फांसी का फंदा भी पड़ सकता है। तुम्हारी खामोशी विक्रम की आजादी और तुम्हारी मौत बन जाएगी। पर अपन उसके खिलाफ डर लगता है उससे। देखो पीटर, तुम्हें सिर्फ कानून ही बचा सकता है, तुम्हें तुम्हारे परिवार से सिर्फ कानून ही मिला सकता है। अगर तुमने विक्रम के खिलाफ गवाही दी तो कानून तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी सुरक्षा करेगा। कानून उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाएगा और तुम आजाद हमेशा के लिए। आजाद? तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, कानून की मदद करो पीटर। अरे सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपनी बीवी के बारे में सोचो, अपनी निजी जिंदगी के बारे में सोचो। सोचो पीटर। हाँ, मैं विक्रम के खिलाफ गवाही देगा साहब, देगा गवाही। नो, आई डोंट वांट टू गो, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी प्यारी गुड़िया बोर्डिंग जाएगी, अच्छी तरह पढ़ लिख कर अपने भैया के पास प्रिंसेस बनकर आएगी ना? नहीं, मुझे नहीं बनना है प्रिंसेस, मैं नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, आप अपने भैया की हर बात मानती हो ना? हाँ, लेकिन मैं आपकी ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। मुझे बोर्डिंग नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। मेरी पिंकी, अरे आप लोगों को पता है पिंकी कितनी अच्छी लड़की है, मेरी कितनी प्यारी बहन है। पहले बहुत जिद करेगी, उसके बाद भैया की हर बात मानेगी। मानेगी ना बेटा? नहीं, मैं आपकी अच्छी बहन नहीं हूँ, मुझे बोरिंग नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। बेटा आपको जाना पड़ेगा बेटा। मुझे नहीं जाना है। जाना पड़ेगा बेटा। संतोष इधर आओ, पिंकी को बोरिंग ले जाओ, जल्दी जाओ, मैं आपको मिलने आऊंगा बेटा, जल्दी मिलने आऊंगा। नहीं जाना, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना भैया, मुझे नहीं जाना भैया, नहीं जाना। मेरी बहन पिंकी मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। तीन पीढ़ियों के बाद हमारे खानदान में किसी लड़की का जन्म हुआ है सिस्टर। माँ बाप के न रहने के बाद मैंने से भाई और माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। एक चीज का ख्याल रखना सिस्टर, मेरी बहन को बोर्डिंग में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ओके सर। विक्रम साहब, पीटर टूट गया। राजा कहाँ है? Okay.
तुम तो मेरे दोस्त हो, मुझे मारना नहीं। तुम तो मेरी परवाह करते हो ना? नहीं पीटर, ये मतलब की दुनिया है, यहां कोई किसी की परवाह नहीं करता। तूने भी नहीं की। हाँ? नहीं, 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 नहीं। तुम्हारे भाई के मरने का बहुत दुख है। चलो भाभी। मौत ही सच्चाई है। पीटर को जाना ही पड़ा। राजा, तू मेरी जरूरत है। राजा, तू कभी पीटर मत बनना। समझ रहा है ना तू राजा? हाँ, सिर्फ एक पीटर खामोश हुआ है, अभी कई पीटर पैदा होंगे। तुम्हारे घर में जितने बच्चे पैदा हों, सबका नाम पीटर रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात याद रखना ऑफिसर, ये मतलब की दुनिया है, यहां कोई किसी की परवाह नहीं करता। लेकिन तुम दोनों को अपनी परवाह करनी चाहिए, क्योंकि तुम जैसे लोगों के पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, एक कानून की बनाई चार दीवारी और दूसरा वो जहां पीटर को पहुंचा दिया गया है। लेकिन कानून के पास बहुत रास्ते होते हैं। तो चलते रहो उन्हीं रास्तों पर। जिस दिन मंजिल पर पहुंच जाओ, उस दिन खुद ही अपनी पीठ थपथपा लेना। मैं इंतजार करूंगा। चलो राजा। वो रहा ऊपर वाला। मुझे तो हाँ, उतारे उतारे। अब ओहो, बड़ा भारी है यार। लो जी, उतार भाई उतार। देखो सब सामान आ गया। उतार जल्दी उतार। दो तीन चार। सामान क्या हो रहा है? हटो हटो यहाँ से। राजा के यहाँ किस्मत से पत्ते निकलते हैं, बेईमानी से नहीं। अगली बार यहां नजर आया ना, तो पैरों पे नहीं स्ट्रेचर पे जाएगा, समझा? हट। चलो जी चलो, नो प्रॉब्लम। चलो सुरेखा, सामान लेके अंदर चलो। चलो सूर्या, आओ आओ आओ। ओ जी प्रोफेसर साहब, मेरा मकान एकदम नो प्रॉब्लम वाला मकान है, ऐसी कोई गल नहीं, तुसी आराम दे नाल ते शांति दे नाल रह सकदे हो।
पुत्री। आओ आओ भाई साहब, आओ आओ बहन जी। ऐ देखो इन्ना वड्डा हॉल, ऐ बच्चा बड़ा क्यूट है, हैं हैं, ऐ क्रिकेट खेल सकता है, गुलाटी मार सकता है, हैं हैं, इन्ना वड्डा हॉल किधर भी नहीं मिल सकता है। ऐ स्वर्ग की खिड़की ते मुंबई दी ताजी हवा, ऐ लो जी, हैं ते ऐ लो जी, हैं मुंबई की मस्त ताजी हवा ना इधर आती है, हैं आपको आ रही है? हाँ हाँ, बाकी नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम अंकल। कितना समझदार बच्चा है, सत श्री अकाल बच्चे। प्रोफेसर साहब आपको एक बात बतानी है। किराया तो तय हो चुका है। ओह नो प्रॉब्लम जी, लेकिन ये एरिया में एक ही प्रॉब्लम है राजा भाई, आपने देखा होगा नीचे। वैसे तो वो नो प्रॉब्लम वाला बंदा है जब तक उसके रास्ते में कोई आए नहीं। सभी लोगों के रास्ते अलग होते हैं, वैसे हमें किसी से क्या लेना देना। करेक्ट, एकदम करेक्ट बोला आपने। वैसे तो ये नो प्रॉब्लम वाला एरिया है। अच्छा तो मैं चलता हूं। अंकल पहले आप नहीं चलते थे? सूर्या। अच्छा भाई दी साहब, धन्यवाद। अच्छा जी मैं चलता हूं। वो देख आ रहा ओ बेदी तेरी तो इधर है। ओ सत श्री अकाल भाई साहब, सत श्री अकाल। हुकुम करो की प्रॉब्लम है। ए बेदी है? बहुत चर्बी चढ़ गई तेरे को है? बोला भी नहीं, पूछा भी नहीं, लगा दिया मकान भाड़े पे। हाँ नहीं, 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 नहीं। सुबह मैंने पेड़ पे उल्लू देखा था, तभी से मेरे को मालूम पड़ेगा कि इसको पढ़ने वाली है। अच्छा, हुश। हुश। राजा भाई। अरे देख बेदी, अगर कोई उल्टा सीधा आदमी होगा ना, कोई स्पेशल वाला, कोई पुराना उस्ताद, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। नो प्रॉब्लम, वो नो प्रॉब्लम वाला बंदा है। मैंने ऐसे थोड़ी दी है, छानबीन करके दी है। बहुत पढ़ा लिखा है, कॉलेज में हिंदी का प्रोफेसर है। अरे वाह, प्रोफेसर है? हाँ, बहुत बड़ा आदमी है। मासूम की दुकान पर जा, एक गुलदस्ता ले और जाकर वो प्रोफेसर को। अरे ये गधा तो ऐसे फूल देगा जैसे प्रोफेसर पे एहसान कर रहा है। बोलेगा ये ले प्रोफेसर, फूलों का गुलदस्ता। देखो देखो राजा भाई ने भिजवाया, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। ये मनोज, अगर तू जाएगा ना तो मेरी प्रोफेसर के साथ कभी नहीं पटेगी। चल हटा रे उसको। ओ आदम मनोज, देख चक्कू, तू गुलदस्ता लेके जा, फालतू की बकबक नहीं करेगा, बोलना कि राजा भाई ने भिजवाया। कौन राजा भाई? कमाल है यार, एरिया में रहने को आया और राजा भाई को नहीं जानते, टेंशन है। हम जानते हैं ना राजा भाई को। सरिता देखो, आपके राजा भाई से हमारा ना तो परिचय है, ना हमने कोई ऐसा काम किया है जो हमारा फूलों से स्वागत हो, फिर भी आप उन्हें हमारी तरफ से धन्यवाद कह दीजिए। नमस्ते। अपुन को क्या, राजा भाई बोला इसलिए अपुन आया, तुम बोल रहे इसलिए अपुन जा रहा है। हाँ पार्टी हटे लिए वो रहने दो, आदत है आदत। माँ। सूर्या आप भी ना, आप भी ऐसे भड़क गए जैसे फूलों में बम छिपा कर भेजा है राजा ने। अपरिचित वातावरण में अनजान लोगों से संबंध बनाना। संबंध बिगाड़ने से भी क्या होगा, वो इस इलाके का गुंडा है, दोस्त ना सही, दुश्मन भी तो नहीं बनाना चाहिए उसे। सरिता संबंध ऐसे होने चाहिए जिन्हें बताते समय आवाज में संकोच और आंखें झुकी ना हो। बाय। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। नमस्कार। नमस्कार, मैं राजा हूँ। प्रसन्नता हुई आपका नाम जानकर। कोई सेवा? कल मैंने आपको फूल भेजे थे, आपने वापस कर दी। अपरिचित लोगों की भेंट स्वीकार करना मैं उचित नहीं समझता, इसलिए। कोई बात नहीं, बेदी से मालूम पड़ा कि आप एक प्रोफेसर हैं, सोचा कि इतना पढ़ा लिखा आदमी अपने एरिया में आए रहने के लिए, उसकी इज्जत तो करनी चाहिए। धन्यवाद, आप पढ़े लिखों का आदर करते हैं जानकर अच्छा लगा। आज्ञा दे, मुझे देर हो रही है। राजा का स्टाइल, अरे क्या हीरो लगता है, क्या ड्रेस है, इसके पास तो बहुत सारे पैसे, भिखारी को 100-100 के नोट बांटता है। राजा भाई से सब लोग डरते है, एक दिन मुझसे भी सब लोग डरेंगे। अरे तुझसे कोई क्यों डरेगा? क्योंकि मैं भी राजा की तरह बन सकता हूँ, उसकी तरह लड़ सकता हूँ। ये देख,
सूर्या, सूर्या, क्या है माँ? जल्दी ऊपर आ, बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। चलो चलो सूर्या, हम लोग भी जल्दी चलो। ए जाड़े अहमद, ए इधर आ, ए इधर आ। जाकर असभ्य बच्चों के साथ मत बैठा कर। बच्चा है, बच्चों के साथ ही खेलेगा ना, छोटा है अभी। किसी दिन बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी इस छोटे से बच्चे के कारण। कौन है? पुलिस। पुलिस? क्या काम है? दरवाजा खोलिए। कहिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी पधारिए। लेकिन आपने यहाँ आने का कारण नहीं बताया। देखिए प्रोफेसर साहब, नीचे सड़क पर एक आदमी का खून हुआ है। छानबीन के बाद पता चला है कि हत्यारे को आपके बच्चे ने देख लिया है। नहीं नहीं, मेरे बच्चे ने तो कुछ नहीं देखा, वो वहाँ नहीं था। बाबा मैंने सब कुछ देखा है और मैं वहाँ था। देखिए प्रोफेसर साहब, हमने राजा और उसके आदमियों को हिरासत में ले लिया है। आपके बच्चे को सिर्फ गोली चलाने वाले की पहचान करनी है। लेकिन विश्वास रखिए, आपके बच्चे पर कोई आंच नहीं आने देंगे। जल्दी से उसे पुलिस स्टेशन लेकर आइए। बेटे, इन्हीं में से एक वो आदमी है जिसने गोली चलाई है, पहचानो, ये है वो। नहीं। अब बताओ, ये है वो? नहीं। आप बताओ बेटे, यही है ना वो? देखो बेटा, डरो मत, बताओ। शाबाश शाबाश, बताओ, यही वो आदमी है ना जिसने गोली चलाई है? बताओ मुझे। नहीं, ये भी नहीं था।
एक बार गौर से देखो इसे, यही वो आदमी है जिसने गोली चलाई है। एक बार गौर से देखो, पहचानो इसे, पहचानो इसे, गौर से देखो बेटा। देखिए श्रीमान, आप बच्चे पर दबाव डाल रहे हैं, आपकी कार्रवाई पूरी हो गई है। चलो सुनिए, हाथ खड़े खोलो। राजा, सब ठीक है विक्रम। वकील साहब, ये रहे जमानत के पेपर्स। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, एसीपी साहब को मुझ पर शक था, वो शक दूर हो गया। चलो राजा। भगवान, मैंने झूठ बोला है, झूठ बोलना पाप है ना, मैंने राजा के लिए झूठ बोला है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो भगवान है ना, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम जियो हजारो साल, साल के दिन हो या पचास हजार, अरे मेरे राजा जियो हजारो साल साल। अबे क्या कर रहा है, राजा भाई का बर्थडे केक मेरे मुंह पे थोप रहा है। ताके आज के दिन तो तेरी मनु शक्ल राजा को दिखाई ना दे। राजा भाई आज बच गया, वो छोकरे की वजह से, गोली से भी और पुलिस से भी। हाँ यार, हाँ यार, वो छोकरा तो अपने राजा भाई की किस्मत बन गया, बन गया यार। अरे उसी की वजह से तो आज राजा भाई का जन्मदिन मस्ती में कर रहे हैं। अरे वाह, इसी मस्ती में वही गाना फिर से सुनाओ ना। हाँ यार राजा, बहुत दिन हो गए, आज सुनाई डाल। अखा दी नींद चुराउंदी है, सपने में कुड़ी वो आंदी है, अखा दी नींद चुराउंदी है, मैं तो उस पे प्यार लुटावा, मैं तो उस पे प्यार लुटावा, याद उसकी दिल में बसावा, ढूंढू कहां उसको कि दिल मेरा नाल 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 ले गई जो, कि दिल मेरा नाल 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 ले गई जो। से खिल खिल चांद से उजली वो मेरे लिए बनती सवरती थी, परियां ती रानी कुड़ियों दीवानी चुपके से दिल में उतरती थी। फूलों से खिल खिल चांद से उजली वो मेरे लिए बनती सवरती थी, परियां ती रानी कुड़ियों दीवानी चुपके से दिल में उतरती थी। उसके ही तो गीत में गावा, प्यार उसका भूल न पावा, ढूंढ कहां उसको कि दिल मेरा नाल 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 ले गई जो, ले गई जो, कि दिल मेरा नाल 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 ले गई जो।
चांदनी से चांद है, हंसी तो कमाल है, मस्त अदाएं सुहानी वे, हिरनी से डोले जादू सा बोले, शोख रंगीली जवानी वे। मोरनी से चाल है, हंसी तो कमाल है, मस्त अदाएं सुहानी वे, हिरनी से डोले जादू सा बोले, शोख रंगीली जवानी वे। कैसे दिल का दर्द मिटावा, कैसे दिल का दर्द मिटावा, हाल अपना किसको सुनावा, ढूंढ कहां उसको कि दिल मेरा नाल नाल नाल, ले गई जो ले गई जो, दिल मेरा नाल नाल नाल, ले गई जो। सपने में कुड़ी वो आंदी है, अखा दी नींद चुरांदी है, मैं तो उस पे प्यार लुटावा, मैं तो उस पे प्यार लुटावा, याद उसकी दिल में बसावा, ढूंढ कहा उसको कि दिल मेरा नाल नाल नाल, ले गई जो कि दिल मेरा नाल नाल नाल, ले गई जो। फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। ए छोकरे चल, राजा भाई ने बुलाया। ए, मेरा नाम छोकरा नहीं है, मेरा नाम सूर्य प्रकाश विद्याशंकर पांडे है। अपुन को क्या करने का तेरे नाम से, राजा बोला जा छोकरे को लेके आ, इसके लिए अपुन आया, अभी चलना बाप चल। अरे छोड़ना राजा, कितना हारेगा तू, किस्मत आज साथ नहीं दे रही तेरी। ए छोटे, ये जुआ है ना, कलेजे का खेल है, किस्मत का नहीं। जो हारने से डर गया ना, वो कभी नहीं जीत सकता, पत्ता पलटेगा। ए बाटना गोगी, बाटता हूं राजा भाई। आ गया हीरो, मुझसे डर नहीं लगता? मैं किसी से नहीं डरता। दोस्ती करेगा? क्या नाम है तुम्हारा? सूर्य प्रकाश विद्याशंकर पांडे। अरे बाप रे, इतना लंबा नाम, शॉर्टकट चलेगा? मैं तुझे सूर्या बुलाऊंगा। हाँ, कुछ भी चलेगा दोस्त। ये दमे भाई, ये इधर, ये ले ब्लाइंड, ब्लाइंड पैक खींच, ये सूर्या के नाम। हाँ हाँ, फरकी फरकी राजा भाई, मेरी बाई आंख फरकी पत्ते उठा लो, नहीं तो हार जाओगे। ए अब्दुल बंद कर रहे हैं उसको वही जगह पे। किधर? अबे बाथरूम में, और किधर उठा लो पत्ते, नहीं तो हार जाओगे। चल, मैं चल, चल, जाना। अबे चलना अच्छा कहे मेरी भी शोकर। अब तुम खोलो फिर सूर्या, पत्ते खोल। वाह वाह, पहला हाथ बादशाह, दूसरा खोल। हे वाह वाह, वेरी गुड। दूसरा हाथ बेगम, इक्का निकल, इक्का निकल, इक्का निकला। देखा छोटे, पत्ता पलटा ना। छोकरा बहुत लकी है तेरे लिए राजा। हाँ, पहले गोली से बचाया, फिर पुलिस से बचाया, अब माल कमा के दिया। ये ले बेटा, बस शाना भी है। ए कितना जी? कितना जीता? 800 रुपया बस। दमे रे इसमें। ये ले, पेश कर, बाद में मिलना है बेटा, जा। चल ऊपर बैठ। नहीं ना माँ, रहने दो। क्या नहीं, नहीं, कितना गंदा हुआ है। माँ चल, ये जेब में क्या है तेरे? हम्म, सूर्या, ये इतने सारे रुपए कहां से आए तेरे पास? सूर्या, ये मेरे पैसे हैं। तेरा बाप इतने पैसे जेब में रखकर नहीं घूमता, तेरे पास कहां से आए बोल? ये मैंने कमाए। कमाए? बोल बोल, कहां से लाए इतने पैसे?
बोल। मैंने राजा को ढेर सारे पैसे जिताए, उसने मुझे दिए। हे भगवान, तू जुआ भी खेलने लगा दुष्ट। मैंने नहीं खेला, मैंने राजा के पत्ते उठाए थे। राजा, आज उसे उसका स्थान पता नहीं पड़ेगा। चल मेरे साथ, चल। कहाँ जा रहे हैं आप इसे लेकर? निर्णय करने, मेरे बेटे का भविष्य मेरे हाथ में या उस गुंडे के हाथ में। चल। नहीं नहीं, भगवान के लिए आप वहां मत जाइए, कुछ अनर्थ हो जाएगा। सुनिए तो, यूं उस मवाली के मुंह लग रहे हैं आप, मत जाइए वहां। सुनिए, ये हटा रहे, उसको हटा रहे उधर। ए चक्कू, बोर मत कर, चल। राजा, बात कर रहे हैं। क्या बात है प्रोफेसर? सूर्या, तुम बाहर जाके खड़े रहो, मैं अभी आता हूं। राजा, ये पाप का धन अपने पास रखना, ये मेरे बेटे को तुम्हारे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगा। जुआ खिलवाया, कल हत्या करवाओगे उससे। क्या बात कर रहे हैं प्रोफेसर, आपका बेटा तो मेरे भाई जैसा है, मैं थोड़ी उसे खराब करूंगा। स्वयं कीचड़ में रहने वाले किसी के आंचल को दाग लगने से नहीं बचा सकते। मैं अपने बेटे को अच्छे संस्कार देना चाहता हूं, जो तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं दे सके। दुर्भाग्य है तुम्हारा। प्रोफेसर, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने, अब बस जाओ यहां से, जाओ। जाने से पहले एक बात स्पष्ट कर देता हूं, भविष्य में मेरे बेटे से दूर रहना, ये मेरी चेतावनी है तुम्हें। प्रोफेसर, आपने मेरे पैसे क्यों फेंक दिए? उन पैसों पर तुम्हारा अधिकार नहीं था, वो पाप के पैसे थे, बुरे लोगों से आए थे। राजा बुरा नहीं है, वो ईमेल है, सब लोग उसकी इज्जत करते हैं। इज्जत नहीं, डरते हैं उससे, क्योंकि वो एक गुंडा है और तुम उसके पास नहीं जाओगे। मैं अपने पैसे लेने जाऊंगा। सूर्या, कहा ना तुम्हें, पाप से कमाए धन की हमें कोई आवश्यकता नहीं। वो मेरे पैसे थे, मैंने कमाए थे और मैं उसे लाऊंगा। सूर्या, हमसे काम लीजिए, वो अभी छोटा है, इतनी कठोरता का कहीं उल्टा प्रभाव ना पड़ जाए। इसका भविष्य हमारे हाथों से निकला जा रहा है सरिता, एक ही तो ज्योत है हमारे जीवन की। मुझे बहुत डर लग रहा है सरिता, बहुत डर लग रहा है। मैं आपकी भावना समझती हूं, चिंता ना करें, उम्र के साथ साथ अच्छे बुरे की पहचान उसे हो जाएगी। हाँ, पैसे लेने जाऊंगा। बच्चे को मारता है। ए प्रोफेसर, अरे राजा को गुंडा बोलता है? अरे आराम की कमाई क्या राजा के पास? बोल। बच्चे को मारता है साला। ए प्रोफेसर, अरे क्या गुंडागर्दी की मैंने तुम्हारे साथ? अरे बोल ना। अरे राजा ने तुमको इज्जत दिया, तुमको नमस्कार किया, तुमको फूल भेजा। बच्चे को मारता है। ए प्रोफेसर, यहाँ कोई किसी की परवाह नहीं करता है,
लेकिन राजा है ना राजा, तुम्हारे बेटे से बहुत प्यार करता है। अरे क्योंकि तुम्हारे बेटे ने राजा की जान बचाई प्रोफेसर, बच्चे को मारता है। हे प्रोफेसर, बच्चा तो भगवान का रूप होता है, अगर मैं उसको खराब करूंगा तो क्या भगवान मेरे को छोड़ेगा? अरे बोल ना प्रोफेसर। अरे तू तो बहुत बड़ा विद्वान है ना, बच्चे को मारता है। सूर्य को क्यों मारा तूने? राजा की जान है तेरा बेटा, अरे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बच्चे को मारता है। ए, ए, तू प्रोफेसर नहीं प्राइमरी स्कूल का टीचर है, समझा? बच्चे को मारता है, बच्चे को मारता है, बच्चे को मारता है। आजा, ये रहा तेरा राजा। राजा? राजा? अरे सूर्या, तू यहाँ कैसे आया? मैं लेके आया इसको, बहुत जिद कर रहा था मिलने का, अगर कैसे लेके आया। ये सूर्या, बहुत बुरा लगा मेरे को, कल मेरी वजह से तेरे को मार पड़ी ना। आदत है, दिन में दो बार पिटता हूँ। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा सूर्या। देख, यहाँ कोई किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन मैं हूं ना, मैं तेरी परवाह करता हूँ। जब तुझे दुख होता है ना, तो मुझे भी बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। I love you too, राजा। I love you. ये सूर्या, तुझ में है ना मेरा बचपन नजर आता है, तू मेरी कमजोरी बन गया है, मुझे छोड़ के मत जाना। हाँ, मेरे बाबा तुमसे मिलने नहीं देते, I hate him. ए, ऐसा नहीं कहते, माँ बाप है ना अच्छे के लिए कहते। जिस बच्चे के सर पर माँ बाप का साया नहीं रहता, वो बुरे इंसान बन जाते हैं, मेरी तरह। राजा तुम रो रहे हो। नमस्ते प्रोफेसर। सूर्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो ऊपर। मेरी मसल्स। अरे बाप रे, है ना जबरदस्त। फैंटास्टिक कर। ये पापा को हरा दो, पापा को और ना कर, और सकते लगाओ। अच्छा बाहर गए, बाहर गए, बाहर गए, बाहर गए। आउट हो गया तू। राजा तुम मेरा कैच हमेशा पकड़ लेते हो। बार बंद है। बोलो ना बियर दे, सबको बियर दे, दे दे। बार बंद है। ए शाने, सुनता नहीं क्या? मैं बोला ना सबको बियर दे। बार बंद है। जो जो, यस बॉस, इन्हें बियर दे दो। ओके। आदमी समझदार हो। तुम लोग भी समझदारी से काम लेना, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तू बीच में मत आना और इधर से हिलना मत।
पहले तो बार बंद था, अब दरवाजा बंद है। बाहर कैसे जाओगे? हाँ ऐसे। ए, तू बीच में मत आना। रिया, नुकसान की भरपाई भी तुम लोग करोगे और बाकी का हिसाब बाद में करेंगे। चलो तुम। सरिता, सरिता देखो, आज ये उस मावली राजा के साथ मारपीट में भी भागीदार बन गया है। पूछो इससे, अब इसमें और उसमें क्या अंतर रहा है? मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, ना ही राजा ने मुझसे कुछ गलत करवाया है। हाँ हाँ, गलत कर भी कैसे सकता है राजा, महान जो ठहरा। तुम्हारे ऊपर उसका इतना प्रभाव है कि तुम उसकी गुंडागिरी को उचित ठहरा रहे हो। आपको सिर्फ राजा की बुराइयां नजर आती हैं बाबा। प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए। सरिता देखना, एक दिन हम दोनों का मुंह काला करवाएगा ये दुष्ट। कहां जा रहे हो? इस घर से दूर कुछ देर के लिए, चाय की नाम की माला जपी जाती है। राजा, राजा, उसकी बुराइयां। आखिर क्या बिगाड़ा राजा ने आपका? क्या दुश्मनी है आपकी उसके साथ? बताइए क्या बिगाड़ा उसने? क्या बिगाड़ा है उसने? उसने तुम्हें इतना निर्लज बना दिया है कि आज तुम अपने बाप के सामने खड़े होकर एक गुंडे की वकालत कर रहे हो। तुम्हारी जीप चलने लगी है मेरे सामने। उसने मेरे बेटे को बिगाड़ा है। भरा मैं आपका। सूर्य, रोकिए ना उसे। सूर्या, रुक जा। प्रकाश, अब रुक। अरे मिलता हूँ यार। अबे मेरे पैसे। अरे मिलता हूँ, मिलता हूँ, बाद में मिलता हूँ यार। पैसे नहीं अभी। तेरी तो। अबे क्या हुआ, पीछे पुलिस पड़ी है क्या? नहीं यार, वो प्रकाश मुझे देख के भाग रहा था। तुम लोग रास्ते में नहीं आते तो साले के कपड़े उतार लेता मैं आज इस भरे बाजार में। अरे लोग क्या कहेंगे सूर्या। शट अप यार, महीनों हो गए मेरे पैसे नहीं दे रहा है। अरे दोस्ती में सब चलता है यार, आज गाड़ी में बैठ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? चल यार शॉपिंग कर ले। नहीं यार मेरा मूड नहीं है, तुम लोग जा। अरे चलना यार, घूमते रहने का, वहां जाके शॉपिंग थोड़ी करनी है। लड़कियां देखेंगे, ऐश करेंगे, वहां जाके तो गधे भी मुस्कुराने लगते हैं। आ, जैसे ये मुस्कुराने लगता है। ए, यू शट अप, शट अप। नहीं यार, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ। अरे नहीं यार, नकल मत कर। चल चल, ओके चल। एक काम करते हैं, पहले जींस के काउंटर पे चलते हैं, कुछ जींस देखते हैं यार। अबे रुकना यार, मैं पर्स भूल गया हूँ। तू भी कमाल करता है। होता है यार। मैं उस काउंटर पे सेटिंग करके आता हूँ। क्या क्लास चीज है यार। अबे सुन, बेस्ट ऑफ लक यार, जा। तुम लोग यार काय को पका रहे हो यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि मैं चांस लेना पड़ता है सूर्या। चल चलते हैं, पता नहीं कब काम बन जाए। चल चल, कम ऑन, हट। मैं नहीं जा रहा यार, चलना। अरे छोड़ इसको यार, चल अपन चलते हैं, चल।
तो उस लड़की ने तुझे बहुत इंप्रेस किया है? सिर्फ इंप्रेस ही नहीं राजा, वो मेरे दिलो दिमाग में बस गई है। जब से मैंने उसे देखा है ना जाने मुझे क्या हो गया है। होता है छोटे, इस उम्र में ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं होता है राजा, ऐसा पहली बार हो रहा है। तू तो गया छोटे, तुझे प्यार हो गया। प्यार? प्यार? मुझे प्यार हो गया है? हाँ। तो क्या प्यार का एहसास ऐसा होता है? हाँ छोटे, प्यार एक खूबसूरत एहसास होता है जिसमें ढेर सारी खुशियां होती हैं और थोड़ा सा दर्द भी होता है। राजा? हाँ? का खो गए, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा क्या नाम बताया उस लड़की का? नाम? अरे आज पहली बार तो मैंने उसे देखा है, मुझे तो ये भी नहीं पता वो रहती का है कौन और दोबारा मुलाकात होगी भी या नहीं। देख अगर मामला ऊपर से होगा ना तो वो तुझे जरूर मिलेगी, और इस बार अगर मिली ना तो पहले पता पूछना फिर ना। क्लोज द गेट नाउ। आरती, पिंकी कहाँ है? पिंकी आ गई है और आपसे बहुत नाराज है। आने के बाद वो मेरे साथ शॉपिंग पे गई, अपने सारे दोस्तों को फोन किया और अब इतनी नाराज है कि अपने आप को रूम में लॉक करके बैठी हुई है। ओह माय गॉड। पिंकी, 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 समझ गया, हालात काफी नाजुक है ना? नाजुक नहीं, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल है। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। तुम्हें बताया पिंकी, मैं 150 की स्पीड पे गाड़ी चला कर आ रहा हूँ, कहीं अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो। भैया, भैया आप तो रो रहे हो। तू भी तो रो रही है। पता है भैया, मैं कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ। मुझे सब पता है, इसलिए तो मैंने अपनी बहन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजने का सोचा है। जी नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इसी शहर में पढ़ूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। पिंकी, मेरे होते हुए तुम अपनी जिंदगी का फैसला करने वाली कौन होती हो? जो फैसला मैंने किया है वो तुम्हें मानना पड़ेगा। भैया बस कोई बहस नहीं, समझे? विक्रम, पिंकी क्या कहना चाहती है उसकी बात तो सुन लो। आरती, तुम मेरे और पिंकी के बीच में दखल मत दो, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। इस शहर में रहकर पढ़ना पिंकी के लिए ठीक नहीं। क्यों, इस शहर में पिंकी के लिए कोई खतरा है? राजा भैया, कौन है शहर में जो राजा के होते हुए हमारी बहन पर आग भी उठाकर देख सके? राजा भैया आप ही समझाइए ना भैया को। तू चिंता मत कर पिंकी, तू यहीं पड़ेगी। राजा विक्रम, रिश्तों की छाया आदमी को दुखों के धूप से बचाती है। पिंकी जैसी बहन को पलकों पर बिठा कर रखना चाहिए, और तुम उसे इतनी दूर भेज रहे हो। भैया मान जाइए ना। ठीक है। भाभी, इससे पहले कि भैया का मूड बदल जाए आप आज ही मेरा किसी कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए प्लीज। माँ, मैं उस कॉलेज में पढ़ने नहीं जाऊंगा, किसी भी हाल में नहीं जाऊंगा बस। लेकिन क्यों, क्या बुराई है उस कॉलेज में? वो कॉलेज हिटलर का है। मेरा बाप वहाँ प्रोफेसर है, दिन भर डंडा लिए मेरे पीछे पड़े रहते हैं, कॉलेज में भी मेरे सर पे बैठे रहेंगे। सूर्या बेटा, अपने पिताजी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। वही तो सच बोलने का पाठ पढ़ाते हैं। हे भगवान। देख सूर्या, अगर तू इसी तरह अपने जिद पर अड़ा रहेगा ना तो उन्हें और गुस्सा आ जाएगा। एक काम कर, उनका दिल रखने के लिए तू दिल
दिल है उनके पास। चुप कर रहे, सुन लेंगे ना वो। मेरी बात मान ले, दो चार दिन कॉलेज जाकर देख ले। अगर कॉलेज तुझे पसंद नहीं आया तो मुझे आकर बोल दे, मैं किसी भी तरह उन्हें मना। हो चुका विचार विमर्श? क्या फैसला किया आपके सुपुत्र ने? कॉलेज में जाना है या सड़कों पर आवारागर्दी करनी है? मैं कॉलेज में जाएगा जाएगा, कल से वो कॉलेज जाएगा। माँ, अगर मामला ऊपर से होगा ना तो वो तुझे जरूर मिलेगी। किसी भी विद्यालय की यह परंपरा है कि पढ़ाई का सत्र शुरू होने से पहले शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे का परिचय जान लें। मेरा नाम विद्याशंकर पांडे है और मैं इस विश्वास के साथ शिक्षा देता हूं कि शिक्षक और विद्यार्थी का नाता पिता पुत्र जैसा होता है। May I come in, sir? पधारिए। थैंक यू सर। हाँ वहीं बैठिए। हाँ तो मैं आप लोगों के परिचय की बात कर रहा था। चलो यहां से शुरू करते हैं। आपका शुभ नाम? सर राज। आपका? सर किरण। चाहता है दिल तुम्ही से प्यार है, तुम्हारी इन अदाओं में बड़ा खुमार है। तुम्ही को चाहता है दिल तुम्ही से प्यार है, तुम्हारी इन अदाओं में बड़ा खुमार है। खफा ना हो ओ जाना के देखे ये जमाना, मैं हो गया दीवाना दिल बेकरार है। तुम्ही को चाहता है दिल तुम्ही से प्यार है, तुम्हारे इन अदाओं में बड़ा खुमार है। तुम्ही को चाहता है दिल तुम्ही से प्यार है, तुम्हारे इन अदाओं में बड़ा खुमार है। हे ला 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 रा ला रा ला, हा हा ला 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 रा ला। नजर नजर की मस्तियाँ मुझ पे यूं गिराई तुमने बिजलियाँ। ओ डाल के नजर नजर की मस्तियाँ मुझ पे यूं गिराई तुमने बिजलियाँ। मद होश मैं हूँ के होश खो गया, दिल की लगी में ये हाल हो गया। दिल पे बस तुम्हारा इख्तियार है, तुम्ही
किसी को चाहता है दिल तुम्ही से प्यार है, तुम्हारी इन अदाओं में बड़ा खुमार है। खफा ना हो ओ जाना के देखे ये जमाना, मैं हो गया दीवाना दिल बेकरार है। तुम्ही को चाहता है दिल तुम्ही से प्यार है, तुम्हारी इन अदाओं में बड़ा खुमार है। समा है क्या बहार है, तुम्ही को चाहता है दिल तुम्ही से प्यार है, तुम्हारी इन अदाओं में बड़ा खुमार है। तुम्ही को चाहता है दिल तुम्ही से प्यार है, तुम्हारी इन अदाओं में बड़ा खुमार है। खफा ना हो ओ जाना के देखे ये जमाना, मैं हो गया दीवाना दिल बेकरार है। तुम्ही को चाहता है दिल तुम्ही से प्यार है, तुम्हारी इन अदाओं में बड़ा कुमार है। तुम्ही को चाहता है दिल तुम्ही से प्यार है, तुम्हारी इन अदाओं में बड़ा कुमार है। तुम्ही को चाहता है दिल तुम्ही से प्यार है, तुम्हारी इन अदाओं में किरण। वाह वाह, क्या नाम है बाकी, वाह क्या बात है, वाह। ए सूर्या की किरण, क्या कॉम्बिनेशन है यार। भाई चुप है यार। राजा बताना मैं आगे क्या करूं यार। अरे उससे बात कर, दोस्ती बढ़ा। यही तो मुश्किल है, दोस्ती कैसे करूं। ए सूर्या, तेरे को कोई प्यार का गजल आता है क्या, बोल डालना उसके सामने। वेरी गुड आइडिया। हाँ फिर बोलने का। उम्र तेरी 16, कमर तेरी 20, आय हाय। उम्र तेरी 16, कमर तेरी 20, कलर तेरा गोरा, तू दिखती वन पीस। हाय मेरी जान, मेरे जिगर में समा जा, खाली है दिल का कमरा, तू धीरे से आ जा। अबे चुप। देख सूर्या, उसका नाम किरण है ना। हाँ किरण है ना उसका नाम। एकदम रेडीमेड गाना बोल डाल, बोल। तू है मेरी किरण। ये सब मेरे से नहीं होगा यार, ये मेरे बस का नहीं है। एक मिनट रुक। ये क्या है राजा? दिल की बात है जो दिल तक पहुंचेगी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े, 100 पंडित होए। कबीर ने मानव जीवन में सबसे अधिक महत्व प्रेम को दिया है। दुनिया भर के शायरों ने, लेखकों ने, कवियों ने प्रेम पर पोथियां लिखी है। सर सर, मैंने भी प्रेम पर एक कविता लिखी है, आपकी इजाजत हो तो सुनाऊं। तुमने? जी आपकी इजाजत है। हां सुनाओ।
हाँ मेरा तुमसे एक रिश्ता है, हाँ मेरा तुमसे एक रिश्ता है, जैसे आंखों का रिश्ता है सपनों से, जैसे जिंदगी का रिश्ता है सांसों से, किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह तुम मिल गई मुझे एक अनजाने मोड़ पर, और मैं चल पड़ा तुम्हारे कदमों के पीछे, मंजिलों को छोड़कर सारे वादे तोड़कर। हाँ मेरा तुमसे एक रिश्ता है। थैंक यू। Brinca pa abajo, brinca, brinca pa arriba, brinca, brinca pa abajo, brinca, brinca pa arriba, brinca, brinca pa abajo, brinca, brinca pa arriba, brinca, brinca pa abajo. रणधीर कानोजिया, गोगी पठान ने तुम्हारी जमीन पे कब्जा कर लिया है, और ये कब्जा तुम्हारी जमीन पे नहीं तुम्हारे नसीब पे किया है। ये जमीन तुमको नहीं मिल सकती, तुम लोग जा सकते हो। हम लोग यहां से जाने के लिए नहीं आए, तेरे को समझाने के लिए आए कि वो जमीन तेरी नहीं है, उस पर से अपना कब्जा हटा ले, वो जमीन अब मैंने खरीदी है, समझा तू पठान? भाईजान को समझाने का नहीं, समझा? समझाने का नहीं। ए चुप बैठ, नहीं तो तेरे भाईजान के साथ तेरे को भी मार डालेंगे। लट्टू पठान को धमकी देता है, एक ही धमाके में उड़ा डालूंगा तुम सबको। देख गोगी, समझा दे अपने भाई को, बहुत बोलने लगा ये। अब्दुल करीम रहीम, कहाँ गए तुम लोग सब? अरे जल्दी आओ। राजा, राजा, रणवीर, रणवीर, रणवीर बेटा तू ठीक तो है ना? इसको हॉस्पिटल लेके चलो, हॉस्पिटल लेके चलो इसको। क्या बात करता है? लड़की तेरे को देखकर ऐसी? नहीं यार, मुझे देखकर नहीं, मेरी कविता सुनकर। उसने मेरी कविता सुनी और उसके होठों पे हंसी आ गई। सूर्या इसका मतलब समझ ले, तेरा काम हो गया, 100% हो गया। अरे लड़की हंसी तो समझो, फंसी। कैसे फंसी? अभी तो उसे ये भी नहीं पता कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अपने पास एक सॉलिड आइडिया है, लेकिन उसके लिए लीवर चाहिए, कलेजा चाहिए। तू आइडिया बता, दिल तो दे चुका हूँ, बाकी बचा कलेजा फिफड़ा गुर्दा सब दांव पे लगा दूंगा। अरे सीधा जाने का, छोकरी को रास्ते पे रोक डालने का और बोलने का आई लव यू, खलास। अगर भड़क गई तो सैंडल तू खाएगा क्या? ले, इसका दिल तो बरसाती मेंढक के माफिक पे चक गया है। मैं करके दिखाऊं क्या? दिखा। अच्छा चलो, हाँ चलो।
एक मिनट, एक्सक्यूज मी। यस, बिल्कुल वही आंखें, वही फेफड़ा थोबड़ा। आप मेरी बहन जैसी दिखती है बहन जी। बहन जी, मेरी बहन को खलास हुए 16 साल हो गए। आप ही की उम्र की थी, तकरीबन 70-80 साल, 17-18 साल। मुझे उससे बहुत प्यार था, इसलिए मैंने आपको रोक लिया। क्या मैं आपको बहन कह सकता हूँ? आपने मुझे बहन कहा, तो फिर आप मेरे भाई हुए। आज मुझे बहुत रोना आ रहा है। नहीं, इसमें रोने की क्या बात है? क्या बात है भाई, क्या कुछ नहीं आ रहा है। देखा, क्या बात है बॉस। अरे मान गए यार, अरे वादा कर दो यार, कटो यार तुम तो। 10 दिन के लिए नहीं आएगा ये। अरे अरे बॉस मान गए, सही में मान गए। क्या बात है, अरे मेरे आई लव यू बोलते ही इमोशनल हो गई। मैंने उसको बहुत समझाया, हाँ बहुत समझाया, नहीं तो वो अभी का अभी शादी करने को मांगता। क्या बात है, अभी अभी का अभी। हाँ बात ठीक है यार, बट किरण इस जैसी नहीं हुई तो। हाँ ये भी बात है यार, कुछ लड़कियों के नाक पे घुस्सा और हाथ में चप्पल आने में देर नहीं लगती। सही बोल रहा है को, दिमाग पका रहे ला तुम लोग यार। अपने पास दूसरा आइडिया है। बोल बोल बोल। राज कपूर 2 शाहरुख खान एकदम हिट है। ओ नो। एक्सक्यूज मी, हम लोग खेल रहे हैं। हम भी खेलेंगे, पहले हमारा गेम तो खत्म होने दो। ए, हमारे साथ खेलना। Shut up and mind your own business. गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा, अरे प्यार कैसा होगा। ओए, छो लड़की का हाथ। कौन है बे? बोला ना छो लड़की का हाथ। ए, साले चिकने हीरो बनने आए क्या? बहुत मार खाएगा बे, चल। ए, चले शाने निकल ले इधर से, नहीं तो इतना धोएंगे ना घर वाले भी पूछेंगे कौन है बे तू, समझा क्या? अरे चिकने, अब मैं तेरे को फूट डालूंगा, तू समझता क्या बे? ऐसा मार, ऐसा मार, ऐसा। ये देखा क्या? ये चल चल पीछे, ढे ढक्का चल, ये लाल शर्ट चल, हट पीछे हट। देखा ना, नहीं तो टपका डालूंगा। छोड़ मत, छोड़ मत उसको। हां नहीं छोड़ूंगा। समरी समरी, प्लीज प्लीज, वो लोग मार रहे हैं सूर्या को, कोई बचाओ प्लीज। मैं तो मारता हूं यार, रुक ना। ये चुप है, चुप चुप। अब बोल, बहुत फुदक रहा था। आई, किसने मारा, किसने मारा? ए, कोई भी आगे नहीं बढ़ने का, नहीं तो देखा। चकू चकू चल, जिसको मरना हो ना वही जाके बढ़ेगा। आगे आगे नहीं बढ़ने का, पहला बोल। अरे भाग बे तू, अबे तेरी, अरे मत, अरे मत, अरे यार मत मारो, मत, अरे यार, अरे यार, अरे सबके हाथों से पिटाई तो नहीं मांगी थी, प्यार मांगा था यार, दुलाई तो नहीं मांगी थी। बस ये सब मेरे दोस्त हैं, इन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब we'll be right back.
तुम अपना हीरोइज्म दिखाकर मुझे इम्प्रेस करना चाहते थे। यू नो व्हाट सूर्या, आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड, और मैं इस बात का सबूत भी दे सकती हूँ। अरे मारने से पहले चिल्ला रहा है, दुख रहा है, मार लगी है ना। चुप, मारा मारी सिखाओगे इसको? तुम लोगों को बोला था ना इसको अपने धंधे से दूर रखो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? तो और तू गुंडा बनेगा, तू गुंडा बनेगा, तू फिर तेरा बाबा मुझ पर इल्जाम लगाएगा। क्यों आया तू इन लोगों की बातों में? ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो राजा, प्लीज। मैं तो तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन क्या वो लड़की तुझे माफ कर देगी? विश्वास करेगी तुझ पर? अपुन के पास एक सॉलिड आइडिया है, अपुन जाके उधर ऐसा ड्रामा करेगा ना, वो छोकरी अपने आप भाग कर आ जाएगी। अब्दुल आ राजा भाई, बंद कर रहे इसको बाथरूम में। चल भाई चल, मेरे पास भी एक अच्छा आइडिया नहीं है? किधर है? देख, तू से मिल, माफी मांग और बात संभाल ले। कैसे संभाल लूं? कल वो कॉलेज की लड़कियों के साथ पिकनिक पे जा रही है। अरे तो तू भी जाना। क्या पैदल जाऊं क्या? हिटलर से 100 रुपए मांगो तो 1000 सवाल होते हैं। ये ले पैसे। लेकिन राजा, एक सवाल नहीं, ये ले पैसे। उससे मिल, उससे कह के तुझसे गलती हो गई है। मैं जानता हूं तेरा प्यार सच्चा है, वो लड़की है ना तुझे जरूर मिलेगी। जा। यस। तुम लोग क्या देख रहे हो? ऊपर देखो। किरण, किरण, अभी तुम ट्राई करो जोर से। डिंपल, किरण, तुम यहां भी आ गए? किरण, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं, मुझे वो हरकत नहीं करनी चाहिए थी। घटिया हरकत? हाँ वो घटिया हरकत थी, लेकिन मैं क्या करता किरण? तुम्हें अपना प्यार जताने का और तुम्हें अपने प्यार पर विश्वास दिलाने का मुझे कोई दूसरा तरीका नहीं सूझा किरण। प्यार? प्यार जताना चाहते थे? हाँ किरण, मेरा विश्वास करो। जिंदगी में पहली बार प्यार किया है और बहुत प्यार किया है। आई लव यू किरण, आई लव यू। तुम यहाँ मुझे आई लव यू बोलने आए हो? गर्ल्स गर्ल्स, इस मॉडर्न मजनू को अच्छी तरह से देख लो। अरे क्या पता कल ही मेरे प्यार में जान भी दे दे। हाँ किरण, मैं अपने प्यार के लिए जान भी दे सकता हूँ, मर सकता हूँ तुम्हारे लिए। हाय क्या प्यार है। चलो बेचारे को प्यार तो मिलना है नहीं, तो क्यों ना इसकी जान ही ले ली जाए। क्यों गर्ल्स, क्या ख्याल है? अच्छा है ना? तो तुम मेरे लिए मर सकते हो? मर सकता हूँ। तो ठीक है, तुम जाकर उस पॉइंट पर खड़े हो जाओ। ये नेक काम मैं खुद अपने हाथों से कर देती हूँ, और फिर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी समाधि यहीं पे बनवा देंगे। क्या? Girls, wait. And you, don't move. ओए गड्डी गड्डी, ओए ओए बाजी क्या कर रहा है? अरे गोली चला बाजी, ओए। ये तो मर जाएगा। मेरी कट्टी, ओए यार। What?
किरण गाड़ी से उतरो, किरण पीछे से उतरो। किरण जल्दी मुंडा फंस गया। सूर्य कमान ट्राई। सूर्य कोशिश करो, कोशिश करो। मुंडा तो बच गया। ओ पर मेरी गड्डी तक की होगा। ओ मेरी गड्डी तो गई। अरे गड्डी थी छोड़ो, मुंडा तो बच गया। तुसी तुसी दोगे मैनू नई गड्डी? मैं दूंगा। हां मैं तुम्हें नई गड्डी दूंगा। हां दस्तो किरण, तुमने ये तो कहा था कि अगर मैं मर गया तो मेरी समाधि बना दोगी, पर ये नहीं बताया था कि अगर मैं बच गया तो क्या करोगी। अब तो बता दो। किरण, I'm sorry. No, I'm sorry. प्यार प्यार तेरा प्यार चाहिए, प्यार 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 तेरा प्यार चाहिए, बेकरार दिल को करार चाहिए। प्यार 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 तेरा प्यार चाहिए, बेकरार दिल को करार चाहिए। तुझे जो मैंने देखा तो दिल ने ये पुकारा कि जिंदगी में एक यार चाहिए। प्यार प्यार तू दे दे मुझको प्यार, चाहते हैं ये अपने मैं दुल्हन तुझे बनाऊं। खोने लगा ये क्या मुझे होने लगा, कैसे तुझे यार मैं बताऊं। मैं हूँ तेरी जाने तो दिल पे तेरा छाया नशा, जो तुझे दिल में बसाऊं। तुझे जो मैंने देखा तो दिल ने ये पुकारा कि जिंदगी में एक यार चाहिए। प्यार प्यार तू दे दे मुझको प्यार प्यार, प्यार प्यार तू दे दे मुझको प्यार प्यार। इन बाहों में रहकर ये जीवन गुजार दूंगी।
बना दे मुझको, जीने को तरसा हूँ तू जीना सिखा दे मुझको। पास आ जा यार मेरे बाहे मेरी थाम, जरा समा है ये प्यार का सुहाना। जान मेरी तेरे लिए, प्यार मेरा तेरे लिए, तेरा है तो मैं हूँ दीवाना। तुझे जो मैंने देखा तो दिल ने ये पुकारा कि जिंदगी में एक यार चाहिए। मुझको प्यार 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 तू दे दे मुझको प्यार प्यार। चलो भाई आ जा, फोन आया रे। हां आ रहा हूं। ये देख ये देख, फोन बज रहा है, बज रहा है, ये बज रहा है, बज रहा है, बज रहा है, फोन बज रहा है ना यार, लेना। हेलो, फोन में भी बहुत गर्मी है यार, कभी भी बजू। हेलो, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। अरे चुप यार। हाँ सूर्य बोल। मुझे मेरा प्यार मिल गया राजा, किरण भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे ये हुई ना बात, अभी सुन तू, या जल्दी आ और उस लड़की से मुझे जल्दी मिला। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय राजा, बाय। मनोज का। अरे दोस्तों इधर आओ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आ, क्या हुआ क्या हुआ? वो लड़की है ना, सूर्य से पट गई है। ए, मेरी बाई आंख फड़क रही है, जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। प्यारों के टूटने में कितने टाइम लगता है? अब्दुल, अब्दुल बंद कर रहे इसको बाथरूम में, खुशी के मौके पे साला पनवती बकता है। अरे कोई अच्छी जगह बंद करो, बाथरूम में बहुत बदबू मारती है। चल यार, चल यार। हेलो, इधर क्या बात? हाँ विक्रम, आखिर पड़ गई ना। ठीक है मैं आता हूँ। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, गोली का मामूली सा जख्म था, वक्त से पहले ही भर गया। वाह, इसे कहते हैं जिंदा दिली। रणधीर साहब आप बहुत ही खुश नसीब हैं, आपको इतना काबिल बेटा मिला है। हम तो कुछ ज्यादा ही खुश नसीब हैं विक्रम साहब, भाई आपके जैसा दोस्त भी तो हमको मिला। रणधीर साहब, क्यों ना हम दोनों इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें? मैं आपका मतलब नहीं समझा। देखिए रणधीर साहब, मेरी सिर्फ एक लौती बहन है पिंकी, जो मुझे बहुत अजीज है, और अब आपका बेटा भी मेरे बहुत करीब आ गया है। क्यों ना हम पिंकी और रणवीर की शादी करते हैं? विक्रम साहब, इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? रणधीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। विक्रम, ए राजा, तुमने यहां मुझे इतना अर्जेंट बुलाया? हाँ राजा, आज तुझे एक खुशखबरी देनी है, आज अपनी पिंकी का रिश्ता रणवीर से पक्का कर दिया गया है। I'm so happy, विक्रम, I'm so happy। आज कितनी खुशी का दिन है, आज मुझे दो दो खुशियां मिली। एक, अपनी बहन की शादी इनके साथ तय हो गई, और दूसरी, मेरे दोस्त को उसका प्यार मिल गया, जिसे मैं अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। I'm so happy, विक्रम, so happy। मैं भी बहुत खुश हूँ राजा, let's party। और राजा भाई, सूर्या नहीं आया अभी तक? आता ही होगा यार। हाँ। राजा भैया। किरण, तुम राजा को जानती हो? हाँ, ये मेरे राजा भैया है, क्या तुम इन्हीं से? यस, राजा मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है। अच्छा, मैं चलती हूँ। किरण, सूर्या, भूल जाओ उस लड़की को। क्या मजाक कर रहा राजा? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने कह दिया ना, भूल जाओ उस लड़की को। पर हुआ क्या? अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है, भूल जाओ उसे। पर क्यों? मैंने कह दिया ना, भूल जाओ उसे। विक्रम, ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। ठीक है, पंडित जी जो तारीख बताएंगे उसी दिन ये शादी होगी।
अरे यजमान, इसी महीने की 18 तारीख को शादी की तिथि उचित है। ठीक है, इसी महीने की 18 तारीख को पिंकी और रणवीर की शादी होगी। बधाई हो विक्रम, बधाई हो। अति उत्तम। आपको भी इस रिश्ते से मैं बहुत खुश हूं। आओ पिंकी आओ, बहुत ही सही वक्त पर आई हो। मैं तुम्हें कुछ जरूरी लोगों से मिलवाना चाहता हूं, इनसे मिलो। ये है मिस्टर कनौजिया, इस शहर के बहुत ही बड़े और इज्जतदार उद्योगपति। हेलो अंकल। हेलो बेटा। और ये हैं तुम्हारी आंटी। नमस्ते आंटी, खुश रहो बेटा। और ये हैं रणवीर कनौजिया, इनके एकलौते बेटे। हेलो रणवीर। हाय, व्हाई डोंट यू जॉइन अस? नो थैंक यू भैया, मैं अपने कमरे में जाऊं। अरे पिंकी, ये सब लोग तुम्ही से मिलने आए हैं। पिंकी जी। पिंकी, मैंने तुम्हारी शादी रणवीर से तय कर दी है। रणवीर बहुत ही काबिल लड़का है और तुम दोनों की शादी में ही हम सबकी खुशी है। भैया एक्सक्यूज मी। पिंकी, विक्रम, उसे अपने रूम में अकेले में मुस्कुराने दो। भाई अचानक ये खबर सुन के शर्मा गई होगी। जी हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल हमारी पिंकी बहुत शर्मिली है। हाँ, बच्ची है ना। अच्छा तो फिर हम चलें, अब बारात लेकर ही आएंगे। हाँ? चलें, आइए। तुम इन्हें दरवाजे तक छोड़कर आओ। जी आइए। पिंकी, क्या बदतमीजी है ये? क्या हुआ भैया? वहां तुम्हारी शादी की बात चल रही थी। शादी का फैसला तो आप कर ही चुके थे, फिर मेरा वहां रहना क्या जरूरी था? अच्छा, क्या मुझे अपने फैसले करने से पहले तुमसे पूछने की जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि आपका ये फैसला मेरी पूरी जिंदगी से जुड़ा है। तुम्हारी जिंदगी की खुशी के लिए ही तो इतना अच्छा घर चुना है मैंने तुम्हारे लिए। जिस लड़के को मैं जानती तक नहीं, उस लड़के के साथ मैं पूरी जिंदगी खुशी से कैसे जी सकती हूँ? बहुत जबान चलने लगी है तेरी, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए। तू रणवीर से शादी करेगी या नहीं? नहीं। क्यों? क्या कमी है उसमें? क्या कमी है उसमें? भैया, कमी उस लड़के में नहीं है, कमी आपकी बहन में है, मुझ में है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ भैया। क्या कहा तूने? कौन है वो? नाम क्या है उसका? सूर्या। सूर्या, ये नाम तेरी जबान पर आखिरी बार आया है। देखिए, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर ये लड़का तुझसे दोबारा मिला तो मैं मार डालूंगा इसे। तू अच्छी तरह से जानती है मैं क्या कर सकता हूं। पिंकी, भूल जा इसे, भूल जा इसे। आइए प्रोफेसर साहब। बैठिए। गुड आफ्टरनून प्रोफेसर। बैठिए। मुझे लगता है आप मुझे जानते नहीं। जिस तरह से मुझे यहां लाया गया है उससे अनुमान हुआ है कि आप शक्तिशाली और धनवान हैं। अच्छा, अब आपसे बात करने में आसानी रहेगी। पांडे जी, आपके बेटे का नाम सूर्या है। घबराइए मत, गलती आपके बेटे की नहीं है, गलती मेरी बहन की है। ये वो एक सड़क छाप लड़के के प्यार के जाल में फंस गई। देखिए श्रीमान, मेरा बेटा सड़क छाप नहीं, एक सम्मानित शिक्षक का बेटा है। फिर भी सूर्या ने यह अनैतिक काम किया है तो उसे दंड मिलेगा। आप क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता, मगर अगर आपका बेटा मेरी बहन के आसपास भी नजर आया तो उसे गोली मार दी जाएगी।
पांडे जी, ये मेरी राय है आपके लिए और आपके परिवार के लिए कि ये शहर छोड़कर चली जाइए, आपका परिवार बच जाएगा। आपकी धमकी सुन ली मैंने, जो उचित लगेगा निर्णय मैं करूंगा। और अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बताइए, मैं आपको इतनी दौलत दे सकता हूं जितनी कि आप अपने बेटे की 15 शादियां करके भी इकट्ठा नहीं कर सकते। बोलिए क्या कीमत चाहिए आपको हमारी इज्जत की? इज्जतदार लोग अपनी भावनाओं का सौदा नहीं करते श्रीमान। आपके पास इतना धन नहीं जो मुझ जैसे मनुष्य की आत्मा को खरीद सके। मुझे अपने बेटे से धन दौलत की अपेक्षा नहीं, संस्कारों की दौलत की अपेक्षा है। आज्ञा दीजिए। पांडे जी, इसे सिर्फ धमकी मत समझिए। अगर आपका बेटा नहीं माना तो आप नहीं जानते क्या हो सकता है। आप अपने इन कंधों को मजबूत बना लीजिए, आपको इनकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। आप बलवान हो सकते हैं, भगवान नहीं। आपने भगवान की शक्ति के बारे में सिर्फ सुना होगा। जिस दिन इस इंसान की शक्ति देखेंगे तो आप कांप उठेंगे। जाइए। सूर्या कहाँ है? कहाँ है सूर्या? सूर्या! हाँ बाबा। सूर्या! क्या हुआ? तुम बीच में बताओ सूर्या। बाबा क्या? बाबा मैंने क्या किया? बाबा सवारी चढ़ गई है मलिश को। मलिश का भूत सवार है इस पर। बाप रे नहीं, नहीं, क्यों मार रहे हैं आप इसे? इतना अपमान जीवन में कभी नहीं हुआ था। हट जाओ शरीर का तुम, हट जाओ। गोली लगा दी मलिश से, शहर छोड़ने की चेतावनी दी मुझे, सब इसके कारण। हट जाओ शरीर का तुम, बीच में मत आओ। प्रेम कर रहा हूं, प्रेम कर रहा हूं। इसका भूत तो मैं तुम्हारा अभी उतार देता हूं। हट जाओ तुम, तुम्हारा भूत तो मैं आज ही उतार देता हूं। प्रोफेसर साहब, गुस्से से रास्ता नहीं निकलेगा। तुम होते कौन हो हमारे बीच में पड़ने वाले? ये मेरी औलाद है, इसकी मैं चाहे हड्डी पसली तोड़ दूं तब भी तुम्हें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, आपकी गुस्से की वजह भी ठीक है, लेकिन आज मैं इस गुस्से की वजह को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तुम आग में तेल डालोगे, वही किया है तुमने आज तक। आज इसकी वजह से जो मेरा अपमान हुआ है उसके कारण भी तुम हो। तुम चले जाओ यहां से, चले जाओ। प्रोफेसर साहब, आज तक आपने मुझ पर बहुत सारे इल्जाम लगाए, लेकिन आज आप मेरा विश्वास कीजिए, आज के बाद सूर्या उस लड़की से नहीं मिलेगा। चल सूर्या। मुझे भी तो बताइए ना क्या हुआ है। अभी क्या बात करनी तुम्हें मुझसे? ये बताने के किरण विक्रम की बहन है और विक्रम इस शहर में किसी को भी मरवा सकता है, मैं भी नहीं बचा सकता तुझे। भूल जा किरण को, उसकी शादी तय हो चुकी है। नहीं नहीं, मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगा। क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा तू? मेरी बात क्यों नहीं घुसती तेरे भेजे में? उससे बहुत अच्छी लड़कियां मिल जाएगी तुझे, किरण से ज्यादा खूबसूरत, किरण से ज्यादा अच्छी। लेकिन किरण तो नहीं ना? किरण नहीं, किरण नहीं, किरण नहीं। और यही सच्चाई है, किरण अब कभी नहीं मिल सकती तुझे। लेकिन राजा मैं बस कर, बहुत सुन ली तेरी बकवास। अरे तुझे जिंदगी की समझ नहीं है सूर्या, अपने प्यार के साथ साथ अपने माँ बाप को भी मरवाएगा तू, सब कुछ खत्म हो जाएगा सूर्या, सब कुछ। लेकिन राजा, आज के बाद तू उस लड़की से नहीं मिलेगा, ये मेरा फैसला है सूर्या, और ये बात तू अच्छी तरह से याद रख, इसमें तेरी भलाई है, समझा? I'm
You
किरण, सूर्या, सूर्या तुम यहाँ? किरण, मुझे सब पता चल गया। किरण, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। किरण, मैं अपनी जान से ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, बहुत दूर। ए, बाहर निकलो। Come on, out, out. घर में घुसकर मेरी बहन से मिलने की कोशिश की, उस मास्टर के बेटे की इतनी हिम्मत हो गई। राजा, पार दे उसे, खत्म कर दे उसे। विक्रम, मैं सूर्य को बचपन से जानता हूं, उसे एक मौका दे दे, मैं उसे समझाऊंगा। उसका बचपना इतना बढ़ गया कि वो अब हमारी इज्जत के साथ खेलेगा, और मैं उसे माफ कर दूं। दाई, उसे एक मौका दे दे विक्रम, मेरे कहने पे मैं उसे समझाऊंगा। तो ठीक है राजा, तू समझा, अच्छी तरह समझा उसे। तू जानता है ना राजा मैं क्या कर सकता हूं, तू जानता है ना। समझा उसे, अच्छी तरह समझाना तू उसे। तुझे समझाया था कि विक्रम कितना खतरनाक आदमी है, मर डरेगा तुझे। तेरे पूछे में बात क्यों नहीं घुसती है? प्यार ने तुझे इतना अंधा कर दिया है कि मरने का डर नहीं है तुझे? बहुत जोश आ गया है तुझे। क्या है ये? कहां से लाया तू इसे? क्या करेगा इसका? लड़ूंगा, मार डालूंगा सबको जो भी मेरे प्यार के रास्ते में आएगा। गोली चलाएगा तू, खून करेगा तू, तूने इसे क्या खिलौना समझा है? अरे ये जिंदगी मौत का फैसला करती है, इसे चलाने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। ये देख, ये देख, ये देख। है तुझ में इतनी हिम्मत? है तेरे पैर में इतनी ताकत? है तुझ में इतना दम? जवाब दे। हाँ है। राजा, आदमी प्यार में मर सकता है, मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये बात तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि ना तो किसी ने तुम्हें प्यार दिया है और ना ही किसी से तुमने प्यार किया है। ना तो किसी ने तुम्हें प्यार दिया है और ना ही किसी से तुमने प्यार किया है, क्योंकि ना तो किसी ने तुम्हें प्यार दिया है और ना ही किसी से तुमने प्यार किया है।
अरे अरे रानी, ये तेरी बहुत बुरी अच्छा, आदत है। तो मेरी बुरी आदत है, और तुम जो दोपहर तक सोते रहते हो वो बहुत अच्छी आदत है। पता नहीं रहता घर में कौन आया कौन गया। आज तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है, मालूम है? अरे मालूम है ना। मालूम है तो अभी तक सो क्यों रहे हो? चलो नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। एक किस दे देना। अरे रानी, एक किस दे देना। कब से प्रॉमिस किया है? प्रॉमिस तो तुमने भी किया था, जल्दी नौकरी करके शादी कर लोगे। किस देना। अरे रानी मेरी बात तो सुन, जल्दी नहा के निकलो। ओफो अरे रानी दरवाजा तो खोलो। ओफो और कपड़े भी दो। बाहर मत निकलना बेशरम कहीं के, कपड़े पहन कर जल्दी निकलो, नाश्ता तो करते जाओ। 10 बज गए। एक मिनट, ये फाइल। जाऊं? जा। गुड लक। यस। बाय बाय। आ गई रानी, आ गई उस निकम्मे आशिक से मिलके। ऐसा कौन सा ख्वाब दिखा दिया उस कमीने ने? उसे गाली मत देना, मत देना गाली, मैं उससे प्यार करती हूँ। अरे काहे का प्यार, ये प्यार का ढकोसला एक दिन तेरे को भिखारन बना के छोड़ेगा। रानी देख बेटा मेरी बात मान जा, आजकल दौलत ही सब कुछ है, भगवान है दौलत। फिर तू बहुत अच्छा नाचती है, बहुत अच्छा नाचती है, तेरे पैरों में तो जादू है, जादू है, दौलत है। देख बेटे, देख मेरी बात मान, अपने हुनर को परवान चढ़ा दे, देख पैसा कमा, नाच और अपना भविष्य बना। अपने भविष्य के बारे में सोचूं या तुम्हारी शराब के बारे में सोचूं? तुम्हें डर तो इस बात का है ना कि मैंने नाचना बंद कर दिया तो तुम्हें शराब कहाँ से मिलेगी? कभी सोचा है? मेरी जिंदगी आंसू बन के बह रही है, लेकिन तुम क्यों सोचोगे? तुम दोनों आंसू की बूंद बूंद को शराब बनाकर पी जाओगे। बेटी की कमाई खाने वाला बेटी की इज्जत के बारे में क्या सोचेगा? लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, समझे? समझा मैं, लेकिन जाओगी कहाँ? उस आवारा के साथ भाग के जाओगी और बैठ जाओगी किसी कोठे पर? चुप रहो, गाली मत दो ऐसे प्यार को जो पवित्र है। खबरदार जो अब कुछ कहा, कैसे बापू, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें बाप कहते हुए। ठीक, अगर शर्म से डूब भी जाओगी तो भी मैं ही तुम्हारा बाप रहूंगा, समझी? अब चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ वरना दूंगा एक लपड़। कौन सा नया काम कर लोगे? अब ज्यादा दिन नहीं रहूंगी इस नर्क में, तुम्हारे नर्क में, जिसमें माँ घुट घुट के मर गई। जिस दिन राजा की नौकरी लगेगी उसी दिन उससे शादी करके चली जाऊंगी, याद रखना। राजा तुम सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी के लिए परफेक्ट हो, तुम्हारी ये नौकरी पक्की हो गई। थैंक यू विक्रम साहब, थैंक यू वेरी मच। नहीं राजा, थैंक यू भी नहीं और विक्रम साहब भी नहीं, यू कैन कॉल मी विक्रम। तुम रानी के मंगेतर हो और रानी मेरी अच्छी दोस्त है, तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। कल से नौकरी ज्वाइन कर लेना, यह रही तुम्हारी फाइल। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर मनमोहन साहब दुबई से आ चुके हैं। ओह माय गॉड, इतने जल्दी वापस आ भी गए? हाँ बस यही तो काम रह गया मनमोहन साहब का, दुबई से बंबई आना और बंबई से शो के बहाने किसी ना किसी लड़की को वहां ले जाना और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना और हम लोगों को तंग करना। वो क्या समझते हैं हम इस होटल को मैनेज करते हैं या उनकी दलाली करते हैं? ठीक है, कह देना उनसे मैं शाम को मिलूंगा उनसे। ओके सर। हाय
हुस्न पे इतना मगरूर क्यों है, चार दिन की है ये जिंदगानी, एक चढ़ती उतरती नदी है, जिसको समझा है तूने जवानी।
भंवरे बहुत मैं अकेली कली, भंवरे बहुत मैं अकेली कली, विक्रम। जी सर। मुझे वो लड़की चाहिए, रानी, रानी, I want that girl, beautiful, gorgeous, she's beautiful। सर वो अलग किस्म की लड़की है, वो एक कलाकार है, स्टेज पे शोज करती है। हर लड़की एक ही किस्म की होती है, दोनों जितनी मांगेगी मैं उसको दे दूंगा, whatever her price is। सर ये लड़की बिकाऊ नहीं है, आप इसे खरीद नहीं सकते। मुझे वो लड़की चाहिए, भाषण बनकर जाओ वो लड़की लेके आ। मैं आपका दलाल नहीं हूं सर, मैं यहां पर नौकरी करता हूं, लड़कियां सप्लाई नहीं करता हूं। तमीज से पेश आइए मिस्टर मनमोहन। सॉरी, आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। कूल डाउन, कूल डाउन, मैं खुद हासिल कर लूंगा उसे। इतना पैसा? आप हरिश्चंद्र तो नहीं है, फिर ये चक्कर क्या है? शिव कुमार, तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, शी इज ब्यूटिफुल, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, आई वॉन्ट योर डॉटर। लेकिन मेरी बेटी बिकाऊ नहीं है। शादी करूंगा मैं तुम्हारी बेटी से, आई विल मैरी हर। हाँ बोल ना, ना। हाँ बोल ना, ना। ऐसी बहुत सारी बोतलें और पैसा जिंदगी भर मिलता रहेगा, ये तो सिर्फ शगुन है। हाँ बोल। हाँ, हाँ? आप मेरे दामाद हुए, आप मेरे दामाद हुए। अरे देखो देखो मेरी बेटी, देखो मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी, देखो देखो देखो, ये पैसे ही पैसे, देखो ये क्या तमाशा है बाबा। अरे मेरे बच्चे, आज तुम्हारी किस्मत की कहानी लिखी जा रही है। हाँ। ये मनमोहन जी तुम्हारे होटल के मालिक, बहुत पैसे वाले हैं, ये तुमसे शादी करना चाहते हैं। बाबा, पैसों के लालच में अंधे होकर अपनी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, मैं शादी सिर्फ राजा से करूंगी, और इनसे कहो यहाँ से चले जाएं। चुप 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 चुप। मनमोहन जी बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अमीर हैं, और मैंने फैसला कर लिया है कि इनकी शादी तुम्हारे साथ ही होगी। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? कागज के इन टुकड़ों के लिए तुम अपनी बेटी को बेचना चाहते हो? तुम्हें क्या हो गया बाबा? मैं आज ही राजा से शादी करूंगी। तुम जानती हो तुम किसे ठुकरा रही हो? तुम सिर्फ मेरी बनोगी। I'm crazy about you। शादी करूंगा मैं तुमसे। So what अगर अमेरिका में मेरी एक और बीवी है? रास्ते से हटो। हटना हमने सीखा नहीं है। हाथ छोड़ो मेरा। हाथ नहीं छोड़ना। ना, ना, मैं ना, तुमसे आज और इसी वक्त शादी करूंगा। छोड़ो मुझे। अरे चलो चलो जल्दी चलो, 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 चलो। राजा, विक्रम बोल रहा हूं। छोड़ दो मुझे। Come on.
कैप्टन, आर वी रेडी? यस सर, वी आर रेडी टू फ्लाई। अरे रानी बेटी, मेरी बात मान जा, बात मान जा। मनमोहन जी बहुत अच्छे आदमी हैं, तू बहुत खुश रहेगी। चुपचाप चल, तू चुपचाप, तू बात मान जा। रानी, राजा, किल हिम, जान से मार डालो इसे, और तू चुप रह। मत मारो मेरे राजा को। शराब के लिए तुम जिंदगी भर भीख मांगोगे। नहीं रानी, रानी को क्या हुआ? अपनी रानी को क्या हुआ राजा? देख देख राजा, ले मार इसको। राजा, इसने अपनी रानी को मार दिया, अपनी रानी को मार दिया इसने। ले ले मार इसको, मार राजा, राजा मार इसको। ए मनमोहन, राजा,
विक्रम कहाँ है? अंदर है। राजा तू? इस वक्त मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूं विक्रम। जरूरी बात? बोल। विक्रम, सूर्य पिंकी से बहुत प्यार करता है, पिंकी की शादी सूर्य के साथ कर दो। हिम्मत कैसी हुई तेरी मुझसे ये बात करने की? पागल तो नहीं हो गया तू? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? मजबूर हो गया उन दोनों का प्यार देखकर। प्यार? पिंकी मेरी भी बहन है विक्रम, सूर्य उसे बहुत खुश रखेगा, मेरा यकीन करो। यकीन तो मुझे इस बात का हो गया है कि तू मेरे किसी काम का नहीं रहा राजा। विक्रम, आज तक तुमने जो भी कहा मैंने वो किया। तुम्हारे एक एक इशारे पे मैंने लोगों का खून किया और पलट के उनकी चीखें भी नहीं सुनी। मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा विक्रम, लेकिन आज मांगता हूं। सूर्या को उसकी खुशियां वापस दे दो, पिंकी को उसका प्यार दे दो, और उसके बदले में राजा अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। तुम जैसे गली के गुंडे की जान की कीमत मेरे लिए कुछ भी नहीं। औकात से आगे मत बढ़ना राजा, वरना गली के किसी नुक्कड़ पर गोलियों से छलनी तुम्हारी लाश मिलेगी और लोग बड़ी आसानी से ये भूल जाएंगे कि इस शहर में राजा नाम का भी कोई गुंडा था। समझदारी इसी में है कि चुपचाप यहां से निकल जाओ। गेट आउट। जिंदगी की सच्चाई हकीकत के अंधेरे में दिखती है विक्रम, ये मत भूलो कि तुम्ही ने इन हाथों में बंदूक देकर मुझे बागी बनाया था, और ये मैं सूर्या के साथ होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि उसमें वही आग है जो मुझ में थी। विक्रम, वो पिंकी से बहुत प्यार करता है। तो मार दिया जाएगा। तूने उसे मारा नहीं और वो समझा नहीं, कोई बात नहीं, मैं किसी और को भेज के मरवा दूंगा। विक्रम, अगर दोबारा ये ख्याल तेरे दिमाग में आया ना, तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तूने मुझ पर बंदूक तानी? तू बचाएगा उस मास्टर के छोकरे को, क्या समझता है? बचा पाएगा तू उसको? बचा पाएगा तू? मेरे जीते जी तू सूर्य की परछाई को भी नहीं छू सकता है विक्रम। आज तक ये बंदूक तेरे लिए उठी थी, लेकिन अब ये बंदूक सूर्य की हिफाजत के लिए उठेगी। दिल तो करता है कि अभी इसी वक्त तुझे मार दूं। नहीं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा रही। तुम दोनों पहले पिंकी की शादी देखोगे, फिर मरोगे। आज से दो दिन के बाद 18 तारीख को रणवीर के साथ पिंकी की शादी है राजा। नहीं विक्रम, ये फैसला तू नहीं मैं करूंगा कि पिंकी की शादी किसके साथ होगी और कहां होगी। सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही है भाभी, बहुत डर लग रहा है। पिंकी, मैं समझ सकती हूं, हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जब उसे एक भी कदम आगे बढ़ाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, और तुम तो अपने भैया को जानती हो, मुझसे भी अच्छी तरह जानती हो। उनके आगे किसी का बस नहीं चलता पिंकी, हम सब बेबस हैं उनके आगे। भाभी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। अगर मेरी जगह आपकी अपनी बेटी होती और वो भी किसी से अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करती, तब भी आप उसकी शादी किसी और से करा देती? वो रे, चल। सूर्या, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके यहां से बहुत दूर निकल जाओ प्लीज।
बिंदास निकल यार, डर मत। डोंट वरी। चल चल निकल निकल। कुछ पता चला? नहीं राजा भाई, सूर्य का कहीं पता नहीं चला। समझ में नहीं आता कहां गया वो। ए चक्कू, कहां था तू? सूर्य कहां है? वो सूर्या, क्या हुआ सूर्य को? अपुन से उसका टेंशन देखा नहीं गया, अपुन ने उन दोनों को भगा दिया। बहुत प्यार करता है उससे वो। जानता है क्या किया तूने? जानता है? जिस वक्त विक्रम को मालूम पड़ेगा ना, तो मार डालेगा सूर्य को। तूने मार डाला सूर्य को चक्कू, ये क्या किया तूने? राजा, भलाई इसी में है कि सूर्य को विक्रम के हाथों छोड़ दिया जाए, वरना विक्रम हम सबको मार डालेगा। राजा, सूर्य को मर जाने दे। राजा, तूने मुझे मारा, सालों की दोस्ती उस छोकरे के लिए। वो छोकरा नहीं है, मेरा सूर्य है, जान है मेरी। वो जान है, हम लोग जान नहीं है क्या? अरे वो जान नहीं, तेरी जान का दुश्मन है, खुद भी मरेगा और हम सबको मरवाएगा, समझे? अगर तू डरता है ना, तो जा यहां से। I say get out! प्रोफेसर, मेरा बेटा कहाँ है राजा? प्रोफेसर, वो विक्रम की बहन के साथ भाग गया है। क्या? राजा ये क्या कर दिया तुमने? एक मामूली से लड़के में इतनी हिम्मत भर दी कि उस लड़की के साथ भाग गया? प्रोफेसर, ये बहस करने का वक्त नहीं है, सूर्य की जान खतरे में है। क्या? उसे बचाना जरूरी है। ये तूने अच्छा नहीं किया। तू नहीं जानती तूने क्या किया है आरती। Okay.
मुझको सिखाती है पीना। Die! 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 Die!
हमारे बीच में पड़ता है साला। फैमिली के लड़के के बीच में पड़ता है। चक्को, सालों को बहुत मारा मैंने। क्या हो गया चक्को यार? नहीं चक्को, चक्कू, चक्कू, राजा, ये मर गया। भाई, इसकी तो उम्मीद लग रही है भाई। देखो राजा भाई, शायद सांस चल रही इसकी। सूर्या, ये उठाओ से। चलो, चलो। ए हट, हट, हट राजा। ए राजा। डॉक्टर। अरे, ये तो पुलिस केस है। अगर इसे कुछ हो गया ना डॉक्टर, तो मैं तुझे मार डालूंगा। किसी भी तरह इसे बचा डॉक्टर। अच्छा। किसी भी तरह। आपने इसे लाने में बहुत देर कर दी, ये तो मर चुका है। हट। मेरा छोटा भाई है, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। देख सूर्या, देख मैं कहता हूं, आंखें खोल सूर्या, आंखें खोल सूर्या, आंखें खोल सूर्या, आंखें खोल, देख मुझे, खोल आंखें सूर्या, खोल आंखें, देख मुझे सूर्या, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, खोल आंखें सूर्या, सूर्या। डॉक्टर ये जिंदा है डॉक्टर, इसकी सांसें चल रही है। ओह माय गॉड, मैं विश्वास नहीं कर सकता। इसे जल्दी ऑपरेशन थिएटर ले चलो। विक्रम साहब ने भेजा है। बहुत कुछ छीना तूने मुझसे, बहुत कुछ। मेरी रानी को छीना, मेरी मासूमियत को छीना, मेरी जिंदगी का मकसद छीना। चाहे तो तू मेरी जान ले ले, लेकिन अब बस, मेरे सूर्या को मत छीनना, मेरे सूर्या को मत छीनना। ये हमारी बहन की शादी का कार्ड है, और सबसे पहला कार्ड। राजा, राजा सूर्या को होश आ गया है। हाँ। सूर्या, ए सूर्या,
राजा किरण। राजा किरण की शादी का कार्ड विक्रम ने भेजा है। सूर्या, ये है तेरी किरण और तेरी ही रहेगी। दुनिया की कोई भी ताकत तुम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। आप लोग शादी की तैयारी कीजिए। बाबा। बेटे, माँ बाप के जीवन में सबसे बड़ी खुशी अपने बेटे के सिर पर शादी का सेहरा बनता देखना है। ये पंडित ही अब तुम्हारी शादी करवाएगा। तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। बहुत जख्म दिया ना तुम लोगों ने सूर्या को, बहुत जख्म दिया ना तुमने। सजावट तो मैं ऐसी करूंगा कि पूरी दुनिया चौंक पड़ेगी। वो वक्त आने में बहुत वक्त लगेगा विक्रम, लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है वो तो सुन। तूने कहा था ना कि पिंकी की शादी 18 तारीख को होगी। किससे होगी और कहां होगी ये फैसला मुझे करना था। मैंने वो फैसला कर लिया है विक्रम, क्योंकि इस वक्त पिंकी की शादी सूर्या के साथ हो रही है। तू कितना बदनसीब भाई है विक्रम,
कि अपनी बहन का कन्यादान भी नहीं कर पाएगा। राजा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये। ओम अग्नि देवता वासु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वदेवा। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः इति मनसा त्यजे। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः। दाम्पत्यो रक्षणार्थाय पटग्रंथी करोम्यहम्। I'm
राजा भैया, राजा भैया, राजा, राजा, मेरे भाई, सूर्या, राजा भैया, राजा नहीं राजा, राजा, सूर्या, राजा, सूर्या, भाई, मुझे छोड़ के नहीं जाओ भाई, नहीं, नहीं भाई भैया, भैया, भाई मुझे माफ कर दो, तो मेरी वजह से हुआ है। मुझे क्षमा कर देना राजा, जीवन भर मैंने तुम्हें गलत समझा।